हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल इन बेबी ग्रीष्मा एंड मैं हूँ आप सबकी संध्या। तो आज हम ऑल इन बेबी ग्रीष्मा टीम आप सभी के लिए बेबी ट्राईसाइकिल अनबॉक्सिंग लेकर के आए हैं, जिसमें आपको ऑनेस्ट रिव्यू देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपने बेबी के लिए भी ऐसी ट्राईसाइकिल परचेस करने जा रहे हैं ऑनलाइन या फिर मार्केट से, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि इसमें हम सभी इस साइकिल के सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए। और इससे पहले भी मैंने एक ट्राईसाइकिल अनबॉक्सिंग रिव्यू लेकर के आई थी, जो वो ओलिव ट्राईसाइकिल उस ब्रांड का नाम था। तो अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और चलिए, तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगी और स्टार्ट करते हैं आज की बेबी ट्राईसाइकिल अनबॉक्सिंग। और देखिए ग्रीष्मा कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है अपने साइकिल से मिलने के लिए। तो चलिए आप सभी को भी मैं दिखलाती हूँ। पंछी नदिया पवन तो ये अमेजन से हमने परचेज किया है साइकिल, और इसको हम अभी पैक करने जा रहे हैं। देखा जाए कि ये साइकिल कैसा है। दीदी आर यू रेडी? आर यू रेडी? पंछी तो एक्साइटेड है। क्या है इसमें? साइकिल। बेबी चलाएगी साइकिल ऐसे? अच्छा वाओ, ये देखिए ये साइकिल है और ये डिसमेंटल कंडीशन में है। अभी हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये हमारा पैडल, देखिए इसमें और कुछ भी नहीं है। पहले सब कुछ इसे कलेक्ट करके रखी है ताकि पंछी नो नो बेबी नो, दिस इज नॉट अ कार। ये क्या कर रहा है? क्या नहीं है वो? साइकिल का पार्ट है बेबी। ये लीजिए, ये रहा जी। तो इस तरह से पार्ट्स में ये आए थे, और वन बाय वन करके नंदन आप सभी को दिखलाते जा रहे हैं कि किस तरह से ये आए थे। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसकी क्वालिटी आप देख भी सकते हैं, अच्छी आई थी। हम एज अ पेरेंट्स हम इससे सेटिस्फाइड थे, और सारे पार्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से आए थे, कुछ भी हमें कोई इश्यूज नहीं हुए थे, बहुत अच्छे से वो पैक होकर के भी आए थे। पंछी पूरी तरह से एक्साइटेड है। तो पंछी चलो हम लोग इसको सेट करें। तो पंछी असेंबल किया जाए साइकिल को। बैठ जाओ ना। तो अब आप सभी बहुत ही ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि अब स्टार्ट होने जा रही है इस साइकिल की असेंबलिंग। बैठ जाओ, बैठ के देखो। पंछी भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है अपने पापा का।
इसकी असेंबलिंग बहुत ही इजी है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और बहुत ही इन अ फ्यू मिनट्स में ये हो गए थे। और इस साइकिल के जो कलर्स थे ना वो मुझे बहुत ही पसंद आए थे, क्यूट तो थे ही, साथ में इसके जो कलर हमने पसंद किया था रेड एंड येलो कॉन्ट्रास्ट में और भी बहुत सारे अवेलेबल थे। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छी ब्राइट कलर दी है जो बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करने वाली है, साथ में हम पेरेंट्स को भी। बेबी को पसंद आया साइकिल? हाँ, क्या है? साइकिल पसंद आया बेबी को? डू यू लाइक इट? हाँ, से यस मम्मा। और आप सबकी ग्रीष्मा भी देखिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, वो सबसे ज़्यादा वही एक्साइटेड थी क्योंकि चलाना भी तो उसी को था। तो देखिए सी इज़ वेरी 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 एक्साइटेड। देखिए वो पार्ट लिख कर दी गई पंछी। पंछी हट बेटा इधर से। तो फ्रेंड्स, आप सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से इस साइकिल को बहुत ही इजीली इन अ फ्यू मिनट्स असेंबल कर सकते हैं। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और साइकिल असेंबल हो चुकी है एंड मेरी बेबी ग्रीष्मा भी रेडी है इस साइकिल पर बैठने के लिए। और देखिए वो किस तरह से चला रही है। स्टार्टिंग में थोड़ा उसको प्रॉब्लम आई थी क्योंकि उसको पैडल चलाने नहीं आ रही थी, तो उसको भी आपको किस तरह से ट्रेनिंग देनी है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आप चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी। क्योंकि वो पंछी अब बहुत ही आराम से साइकिल पे पैडल चला करके आराम से चला लेती है, तो नो इशूज़। एंड बस मैं इस साइकिल का एक बेस्ट पार्ट यही बोलूँगी कि दिस साइकिल इज़ बेस्ट फॉर अप टू टू ईयर्स बेबी ओल्ड। आई थिंक थोड़ी सी ये मुझे छोटी लगी थी। अगर आपको इसकी बिग साइज़ साइकिल मिलती है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर परचेज़ कीजिए अगर आपकी बेबी 2 साल से ऊपर के हैं। अदरवाइज़ अगर आपके बेबी 2 साल से नीचे के हैं तो दिस साइकिल इज़ इनफ फॉर देम। को मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए या कौन सा कलर चाहिए। तो ओवरऑल मैं इस साइकिल की बेस्ट रिव्यू यही बोलूँगी कि दिस साइकिल इज़ बेस्ट फॉर आवर लिटिल वंस। एंड इसकी जो पैडल थी उसके जो एजेस थे वो ज़रा भी साफ नहीं है, तो अगर आपके बेबी ने अगर सैंडल या शूज़ नहीं पहने हैं देन नो इशूज़, आराम से वो चला सकते हैं। इसके व्हील्स थे वो भी काफ़ी स्मूथ हैं, तो बेबीज़ के लिए बहुत ही आरामदायक हैं। वो रोड पे चलाएं या घर में चलाएं या गार्डन में चलाएं, कहीं भी आराम से चला सकते हैं। तो कलर्स तो आपने देख लिया ना कितने सुंदर आई थी, और इसकी जो हैंडल बार की अगर बात करें तो वो भी बहुत ही पावरफुल आई थी, हमारे बेबीज़ बहुत ही ईजिली उसको हैंडल करेंगे। और साथ ही साथ जो इसकी सिटिंग चेयर थी वो भी बहुत ही कंफर्टेबल बनाई गई है हमारे बेबीज़ को देखते हुए, उनके एज को देखते हुए। और इस साइकिल की जो फ्रंट लुक है, फ्रंट डिज़ाइन है, वो देखिए एक छोटा सा कैप उन्होंने बनाया है, तो ओवरऑल इस साइकिल को बहुत ही अच्छा लुक दे दे रहा है। और साथ ही साथ फ्रंट में म्यूज़िक भी है जो हमारे बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करेंगे। तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि इस क्यूट से साइकिल ने, सॉरी इस क्यूट से कैप वाले साइकिल ने आपका दिल भी ज़रूर चुराया होगा जिस तरह से मेरी ग्रीष्मा और हम पेरेंट्स का चुराया था। तो गो फॉर इट गाइज, बिग बिग थम्स अप फॉर इट। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।